हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे शौर्य वीरों, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। यदि आपके अंदर जोश है, जज्बा है और देश के लिए कुछ करने की इच्छा है तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। इंडियन नेवी ने अग्निवीर MR के 200 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस संदर्भ में ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है जो कि नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस सेशन में हम लोग समझेंगे इस विज्ञप्ति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी। आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज से। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 200 वैकेंसीज हैं, जिसमें से कि 40 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं और ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है 1/2022 बैच के लिए। यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी कि कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 1999 से लेकर के 31 मई 2005 के बीच में होनी चाहिए और मैरिटल स्टेटस आपका होना चाहिए अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत हो रही है, तो जो भी अग्निपथ की टर्म्स एंड कंडीशन हैं, चाहे वो सर्विस ड्यूरेशन हो, पेज हो, अलाउंसेस हो, वो सभी यहाँ पर एज इट इज़ अप्लाई होती हैं। और इन शॉर्ट आपको बता दूँ कि जो आपका 4 साल का सर्विस पीरियड रहेगा उसमें आपको मंथली सैलरी 30,000, 33,000, 36,500 और 40,000 पर मंथ मिलेगी साल दर साल बढ़ते हुए, और इसमें से आपको 70% इन हैंड और 30% जो है ये अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूशन किया जाएगा एंड ऑन डिस्चार्ज आपको 10.71 लाख के बेनिफिट्स मिलेंगे। ये तो थी स्टूडेंट्स अग्निपथ की टर्म्स एंड कंडीशंस। आइए अब हम लोग समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया क्या हो। पहला स्टेप है भर्ती प्रक्रिया की एप्लीकेशंस की शॉर्टलिस्टिंग, और एप्लीकेशंस शॉर्टलिस्ट की जाएंगी 10th क्लास में आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है उसके आधार पर। दूसरी बात, ये वैकेंसीज स्टेट वाइज रिलीज होंगी, यानी कि हर एक स्टेट के लिए, प्रत्येक स्टेट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज फिक्स्ड होंगी, तो जिस स्टेट के लिए जितनी वैकेंसीज हैं उसके 4 times कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। से फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर स्टेट की 10 वैकेंसीज हैं तो वहां से 40 स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा फॉर रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के बाद में होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर का रन है 6.5 मिनट में, 20 स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक हैं और 20 पुशअप्स हैं, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर का रन है 8 मिनट में, 15 स्क्वाट्स हैं और 10 बेंट नी सेटअप्स हैं। फिजिकल क्वालिफिकेशन के बाद में जनरेट होगी मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट के बाद होगा फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि INS चिल्का में होगा। नेक्स्ट जो एक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है जानने के लिए वो है हाइट। तो मिनिमम हाइट मेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। ट्रेनिंग INS चिल्का उड़ीसा में कंडक्ट की जाएगी जो कि शुरू होगी दिसंबर 2022 में। अब स्टूडेंट्स मोड ऑफ एप्लीकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको अपनी एप्लीकेशंस ऑनलाइन सबमिट करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू होंगी 25 जुलाई 2022 से और 30 जुलाई ऑनलाइन एप्लीकेशंस की लास्ट डेट है। स्टूडेंट्स बहुत छोटी एप्लीकेशन विंडो है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी डोंट वेट फॉर लास्ट मिनट, आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस को सबमिट कीजिए। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए और एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने के लिए लॉग ऑन कीजिए इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर।
एंड नेवी एमआर के जो ये एग्जाम्स हैं इनकी बेहतरीन बेस्ट तैयारी करने के लिए डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप के फीचर्स जैसे कि लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, लाइव एग्जाम्स, प्रैक्टिस सेट्स, डाउट बॉक्स एंड ई बुक्स देते हैं आपकी तैयारियों को एक नई दिशा और धार। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद।